स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत, मैं हूं रविंदर सिंह। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, सब्जी मंडी में 70 से 80 रेहड़ियां थी, 20 से 25 साल से वो काम कर रहे थे, अचानक हॉर्टिकल्चर के लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, हम उनको प्रशासन ही कहेंगे, इनको बेरोजगार कर दिया जाता है अचानक एक झटके में बिना किसी नोटिस के। ये लोग यहाँ पे मातम मना रहे हैं अपनी बेरोजगारी का। इसी बीच श्यामलाल लंगर जी यहाँ पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और इस मंडी के साथ इनका एक खासा रिश्ता रहा है, यहाँ के चेयरमैन भी रह चुके हैं, प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं। श्याम जी, क्या लगता है ये चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग 20-25 साल से नहीं है, 35 साल से हैं। 35 साल हो गए इनको लोगों को रेगुलर यहाँ पे काम करते हुए। और इस मंडी के अंदर मेरे को 50 साल हो गए काम करते हुए। और मेरे को नहीं देखा कि इन लोगों की वजह से किसी को परेशानी हो। इन लोगों की वजह से जो बाहर से जितना जिम्मेदार यहाँ पे आता है, चाहे वो सब्जी मंडी हो, फ्रूट मंडी हो, लोकल लोग जो माल लेके आते हैं वो रात को यहाँ पहुँचते हैं और जब मंडी से माल बेचते हैं तो ये लोग उनको खाना परोसते हैं सस्ते दामों में, 20-25-30 रुपये में। कौन सा होटल है जो 30 रुपये में खाना किसी को दे रहा है? बड़े दुख की बात है। किसने कहा डायरेक्टर साहब को कि इन लोगों को बेरोजगार करो? मैं बात करूंगा डायरेक्टर साहब से, मैं भारतीय जनता, मैं इनके ढाबे बंद नहीं होने दूंगा, रेहड़ियां जो भी है, रेहड़ियां जो भी हैं, ढाबे, रेहड़ियां, टी स्टॉल जो भी है, मैं बंद नहीं। श्याम जी मुझे ये बताओ, मैं ग्राउंड की बात करूंगा, आज सुबह तक ये लोग, इनके पास रोजगार था, ये रेहड़ियां कर रहे थे, आज शाम को 5 बजे के बाद ये बेरोजगार हो गए, इनको रोजगार कब मिलेगा? कल सुबह फिर रोजगार मिलेगा इनको? कल सुबह मैं सिर्फ रात की बात कर रहा हूँ, कल सुबह फिर होटल और ढाबे खुलवाऊंगा मैं आके, मैं खुद खड़ा रहूंगा, मैं देखता हूँ कौन आदमी रोकता है इनको आके। आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वादों पे ज़्यादा यकीन नहीं होता। श्यामलाल लंगर साहब ने कहा कि कल सुबह तक ये फिर रोजगार होगा इनके पास। शायद यही खुशी चाहिए थी इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, लेकिन ये बात जो होती है, और भाई साहब जिंदाबाद, ठीक है, दो मिनट रुक जाओ यार, इन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, लेकिन सवाल ये था कि ये बात कब तक ऊपर तक पहुंचेगी, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में? उन्होंने कहा कि कल सुबह ये रेहड़ियाँ खोल सकते हैं, हम कल सुबह फिर वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या इनको रोजगार मिला। सर, आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले, आप बड़े मायूस थे, क्या लगता है कि श्याम जी ने जो कहा? बिल्कुल, आज से 5-7 साल पहले भी ऐसा हुआ था, इन्होंने द्वारा हमारी रेहड़ी खुलवाई थी। आपकी आवाज भी भारी है, डरे हुए हैं कि रोज खत्म हो गया, बेरोजगारी आ गई, आप थोड़ा सहारा हुआ? हाँ सर, सारा बिल्कुल सारा हुआ। तो कल खोलोगे? बिल्कुल सर, जो सामान वगैरह, तो सामान अभी कल कहाँ खोलेंगे, सुबह आएंगे तो अगर सामान वगैरह प्रोटेस्ट कर, दूध वगैरह, तो हमारा वो सारा कुछ खत्म करके चले गए हैं, वो खत्म करके। हाँ, चलो, थोड़ी तसल्ली होगी आप लोगों को? हाँ, तसल्ली सर, एक दिन मान लिया कि एक दिन नहीं खोलेंगे कोई बात नहीं, बाकी नेक्स्ट तो हमारा काम चलेगा ना, काम चलेगा। चलो, श्याम जी ने बोला कि इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी बात ऊपर तक पहुँचने में बड़ा वक्त लग जाता है, ऐसा ना हो तब तक आपके घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाए, इसलिए मैंने उनसे पूछा। हमें गर्व है, करेंगे, बिल्कुल जी गर्व है। मुझे लगता है कि यह विरोध प्रदर्शन चंद घंटों का था, लेकिन अगर ये नहीं होता तो जाहिर सी बात है इनके लिए दिक्कतें हो जाती। श्याम जी ने जैसा कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके वर्ड्स में बुनियादी ताकत हो, उनके वर्ड्स में वो ताकत हो, वो वर्ड ज़मीनी सतर के हों, वो वर्ड्स इनको रोज़गार वापस दे सकें, क्योंकि यकीन मुझे बड़ा कम होता है, क्योंकि आज भी मैं BSF और CISF के जवानों को, उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने बेहाल देखता हूं। इसलिए मुझे थोड़ी हजम होने में तकलीफ होती है कि रातों रात इनका रोज़गार वापस मिल जाएगा, लेकिन जनाब जिस फुर्ती से, जिस रफ्तार से आपने ये छीना है, उम्मीद करते हैं कि उतनी ही रफ्तार से आप इनको वापस इनके हाथों में इनका रोजगार दे सकें, ताकि इनके बच्चे स्कूल जा सकें। अगर आपको कोई लीगल करना है, अगर आपको चाहते हो कि कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो आप इनसे डिस्कस कीजिए, इनसे बैठकर बात कीजिए, ये दिक्कत हमें आ रही है, ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। रोजगार छीन लेना, किसी के ऊपर झपटा मार लेना, किसी का शिकार कर लेना, इसको मैं शिकार ही कहूँगा कि आपने शिकार किया आज, तो ये चीज़ें
लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। आप इनको नोटिस दीजिए, जो फॉर्मेलिटीज आपकी हैं ये पूरी नहीं करते हैं, उसके बाद आप एक्शन कीजिए। लेकिन एक झटके में आपने 70 से 80 रेडी, 70 से 80 फैमिली, 70 से 80 बच्चे जो स्कूल जा रहे थे इस परिवार के, आपने उनको बेरोजगार किया है। जब भी कोई बात आप करते हो ना, उसके पीछे एक लंबी लाइन होती है, लिंक्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शाम जी ने जो कहा वो सटीक बैठे। कल सुबह नहीं, आपने बड़ी तोड़फोड़ की है, कल सुबह नहीं, एक दिन लगेगा इनको वापस उनको प्रिपेयर करने में, परसों से ये लोग फिर से उसी तरह से काम पे आ जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद बड़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि यकीन जो उठ जाता है उसको बहाल होने में वक्त लगता है। अगर ये हो जाता है तो शायद कुछ कोई बहाली हो जाए। बस यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।